स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैप गुरुकुल। ट्वेल्थ क्लास के अंदर चैप्टर है, एग्जाम भी पास आ रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर की बात कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। आते ही बच्चों के दिमाग में ना घंटी सी बजने लगती है, यार इट्स वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। सबके तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे, ऑलमोस्ट बच्चों के दिमाग में घंटी बजती है। और उसमें भी बच्चे गेस करें मैं कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूँ। यस, ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर प्रो-रेटा अलॉटमेंट होता है, वो आते हैं तो और टेंशन में आते हैं, सर यही क्वेश्चन नहीं होते हमारे से, है ना। तो काफ़ी बच्चों ने बोला, हमारे पास भी, हम पढ़ाते भी हैं, बहुत से बच्चों ने बोला जो ग्रुप में स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, है ना, कि प्रो-रेटा के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो उसको हम और ऐसे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, बाकी बच्चों का भी हेल्प होगा। तो ठीक है बच्चों, तो हमने इसलिए आज आपके लिए स्पेशल, आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर भी हम टॉपिक करेंगे क्या, प्रो-रेटा अलॉटमेंट, एंड प्रो-रेटा अलॉटमेंट विद फोरफीचर, विदाउट फोरफीचर। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्या करेंगे, वो औरों को भी करा पाएंगे, समझाएंगे यार देखो प्रो-रेटा कितना आसान है, एंड आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो वीडियो को ध्यान से करना, और जैसे मैंने टॉपिक समझाए हैं, जैसे मैंने एक टॉपिक समझाया, उस पर बेस्ड दो क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करना। हमारे मटेरियल में वैसे क्वेश्चन बिल्कुल दे रखे हैं, मटेरियल में बिल्कुल दे रखा है, जैसे मैं इसमें हेडिंग दे रहा हूं वैसे हमारे मटेरियल में हेडिंग है। आप बुक से, आपके मटेरियल नहीं तो आप बुक से हेडिंग बुक से ले रख सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको वैसे वैसे दो दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपका फंडा ऐसा क्लियर होगा कि जिंदगी भर प्रो-रेटा ही सबसे आसान लगेगा आपको। तो ठीक है बच्चों, तो राइट स्टार्ट करते हैं कैसे हम आपके साथ, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में अब हम बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे आपके सामने ओवर सब्सक्रिप्शन, तो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन ये बताते हैं आपको। लेट इफ कंपनी इश्यू ए शेयर्स 1 लाख एंड कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन मोर देन 1 लाख, 150 के लिए, 2 लाख के लिए, 3 लाख के लिए, मतलब जितने हमने इश्यू किए हैं उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाता है बच्चों, उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ये प्रो-रेटा नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो प्रो-रेटा है, नहीं, इट इज नॉट ए प्रो-रेटा। अभी हम प्रो-रेटा भी दिखाएंगे, लेकिन लिखा भी है सामने व्हाट इज प्रो-रेटा, उसके बारे में बात करें, बट दिस इज द सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जितने ज्यादा शेयर्स ज्यादा आ गए एप्लीकेशन, वो ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं, ठीक। पहले ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया। अब जब कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो कंपनी के सामने समस्या पैदा हो गई। क्या समस्या आ गई, आप समझ रहे होंगे भाई, सपोज करो कंपनी का शेयर इशू करें 1 लाख, एप्लीकेंट्स आ गए 3 लाख या 2 लाख, जो भी ज्यादा तो आ गए ना, कंपनी किसको शेयर दे किसको शेयर्स ना दे। तो इसके लिए कंपनी को हम 3 वे सजेस्ट करते हैं, नॉर्मली इसमें थ्योरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, सजेस्ट द वेरियस वेज। तो जो पॉपुलर 3 वे हैं उनके बारे में बात करें, 3 वे सजेस्टेड टू द कंपनी, तो हम वो भी बताएंगे 3 वेज, उनके ऊपर क्वेश्चन भी बेस करेंगे और हाँ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो बच्चों विद एग्जाम्पल आपको 3 रास्ते कंपनी को बताने हैं, भाई क्या रास्ते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जहां प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, राइट बच्चों। तो जो एग्जाम है, टेंशन है, तो मेहनत से उस टेंशन को हम खत्म भी कर सकते हैं, एंड यू कैन डू दैट, राइट। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल है कंपनी के पास, इश्यू किए कंपनी ने कितने शेयर, 10,000 शेयर कंपनी ने इश्यू किए हैं, राइट बच्चों। एप्लीकेशन कितने के लिए आई है, 18,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। इश्यू कितने किए हमने, 10,000 शेयर, और एप्लीकेशन कितने के लिए आई बच्चों, 18,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है आपके पास, देख लिया आपने, ठीक है। ये क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी इस प्रॉब्लम कैसे दूर करेगी, 3 रास्ते मैंने लिखाए हुए हैं, एक एक पहले एक एक रास्ते की बात करते हैं। फर्स्ट वे, 10,000 वालों को 10,000, एनी 10,000, कोई भी 10,000 हो सकते हैं, है ना, कंपनी किसी को भी 10,000 को फुल दे सकती है। एंड जो 8,000 बचे एप्लीकेंट्स, उनको रिजेक्ट, अभी कौन से एप्लीकेंट्स होंगे कंपनी डिसाइड करेगी, किसको शेयर देना है किसको शेयर्स नहीं देना है, सोलो मनी राइट विद द कंपनी, ठीक है बच्चों। तो 8,000 वाले जो होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया, पहला रास्ता तो कंपनी के पास ये है, सुख शांति भरा, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं। सेकेंड वे है ना, जो बच्चों को कंफ्यूज करता, प्रो-रेटा जो कंपनी ज्यादा इस्तेमाल करती है, दिस इज 18,000 वाले, मतलब सारे एप्लीकेंट्स वाले को है ना 10,000 शेयर दे दिए, दिस इज कॉल प्रो-रेटा पार्शियल, मतलब शेयर्स दिए कम दिए। अब अगर इसको ब्रीफ में समझोगे, जिन्होंने 18 के लिए अप्लाई किया उनको 10 शेयर्स दिए हैं, ठीक बात है ना, 18 के लिए अप्लाई किया उनको 10 शेयर दिए। अब कई दिमाग बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये 1.8 को वालों को कैसे 1 शेयर देंगे,
तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन है वैसे तो प्रैक्टिकल, हम इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, लेकिन रियल लाइफ में जब कंपनी शेयर्स मांगती है ना, वो उसमें मांगती है 10 के मल्टीपल में, 50 के, जैसे 10 के एप्लीकेंट्स 20, 30 ऐसे अप्लाइड होते हैं, मतलब 10 के बाद जो है 20, 30, 40 ऐसे कर सकते हो, या फिर 50, 100, 150, या फिर 100, 200, 300 ऐसे 10, 100, 50 के मल्टीपल्स में होते हैं। ऐसे नहीं होता 18, 17 नॉर्मली ऐसा नहीं होता, तो स्टैंडर्ड है कंपनी इस तरह से मांगती है, राइट? समझ आ गया आपको? तो इसलिए 18 वाले कितने, 10, दिस इज कॉल्ड प्रोरेटा। अब तीसरा रास्ता कंपनी का, दो रास्ते बता दिए, तो दो रास्ते बता दिए आपने, ठीक है, तीसरा रास्ता क्या है? इन दोनों का मिक्स, मतलब देखिए कुछ को फुल, कुछ मतलब कोई भी 5000 उनको फुल दिया, 3000 वाले निल, उनको कोई शेयर नहीं दिया, नमस्ते। अब एनी 3000, नॉर्मली जिसकी एप्लीकेशन फुलफिल नहीं होती है, एप्लीकेशन मनी पूरी नहीं है, उनको वापस करते हैं। एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने बचे? टोटल एप्लीकेंट्स थे बेटे 18, उसमें से 8 का हो गया फैसला, कितने बचे 10, एंड 10 वालों को शेयर्स मिलते हैं 5, दिस इज कॉल प्रोरेटा। अब इसको ध्यान से देखो, ये एग्जैक्ट प्रोरेटा है, बिल्कुल बन गया हमारा, 10 वालों को 5 यानी कि 2 वाले को 1 शेयर दिया, जिसने 2 के लिए अप्लाई किया होगा उसको 1 दिया, या 10 वालों को 5 दिया। अब समझ में आ गया, ये प्रोरेटा है, मतलब एप्लीकेशन ज्यादा के लिए आ गई वो प्रोरेटा नहीं है। तो ये तो कोई थ्योरी की बात बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो तीन रास्ते आपने कंपनी को बता दिए हैं, है ना, सजेशन किए, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसा कंपनी कर सकती है, और कैसे किसी पर बेस हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, कर देंगे। तो तीनों रास्ते में से जो भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट वे वाला आएगा तो कैसे करेंगे, सेकंड वे वाला कैसा आएगा, और थर्ड वे वाले को कैसे करेंगे, राइट बच्चों? तो लेट्स स्टार्ट, प्रॉब्लम नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ। फर्स्ट वे, पहला रास्ता कंपनी के पास है ना, जिनके पास स्टडी मटेरियल है उसमें क्वेश्चन नंबर 64 है, उससे पहले 63, 62 भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बच्चे प्रैक्टिस करें। मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन जैसा करा रहा हूं वैसे 2 क्वेश्चन करो यार, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगे। जब तक प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, टीचर आपको, कोई भी टीचर हो वो आपको समझा सकता है, है ना, किसी को किसी टीचर की बात बहुत अच्छे समझ में आती है, किसी को किसी की आती है, वो डज नॉट मैटर, है ना। तो बट सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, उसके बाद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई टीचर आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, ठीक बात है ना बच्चों? तो आप समझो और प्रैक्टिस खुद करो तो सबसे अच्छी चीज है। कोई भी टीचर हो, मैं हूं, कोई भी एक्सपर्ट है, सब आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, सब टीचर का एक कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, वो चाहता है हमारे बच्चे हमारी बात को बहुत अच्छे समझे, सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, बट प्रैक्टिस आपको करनी है तभी आप मार्क्स लोगे, ठीक। तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास, इशू कितने की एप्लीकेशन हमने 40,000 शेयर हमने अप्लाइड किया है, इन्वाइटेड एप्लीकेशन, मतलब इशू किए 40,000 शेयर, कितने का शेयर है बच्चों 25 का। पहले क्वेश्चन आना समझ आया, 10 एप्लीकेशन, ठीक है, 4 अलॉटमेंट, 11 फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 60,000 शेयर, 60,000 के लिए एप्लीकेशन आई हमारे पास, और एप्लीकेशन पर एक्सेप्टेड 40,000 शेयर्स इन फुल, 40,000 शेयर्स इन फुल, तो 40,000 वालों को फुल मिले, है ना, एप्लीकेशन पर एक्सेप्टेड 40,000 शेयर्स इन फुल, मतलब उनको 40 वालों को फुल मिले, ठीक। बच्चे कह रहे फुल नहीं दिख रहा, ये लो शेयर्स इन फुल भाई, कोई बात नहीं। एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड, बाकी को नमस्ते कर दिया हमने, ठीक। ऑल द मनी वर ड्यूली सी एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 2000 शेयर। तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी विदाउट फोरफीचर है, नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोरेटा अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन है, विदाउट फोरफीचर है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं पहले। सबसे पहले वर्किंग नोट हमारा, इसमें वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, अप्लाइड और अलॉटेड, क्वेश्चन समझा रहे हैं सिंपल आपको, पहले क्वेश्चन समझा जरूरी है, कितने के लिए अप्लाई हुआ 60, क्वेश्चन अपने पास या सामने भी लिखा हुआ आपके पास, अलॉटेड कितने किया आपने 40 बच्चों, ये अलॉटेड या इशू टोटल, ये तो टोटल के लिए बात हो रही है। अब नीचे क्वेश्चन में क्या लिखा था, 40 वालों को फुल, मतलब 40, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचे 20, उनको क्या कर दिया हमने बच्चों, रिजेक्ट, रिमेनिंग रिजेक्ट, इजी, ठीक। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब एप्लीकेशन कितने का है ब्रीफ में समझना जरूरी है, 4 का एप्लीकेशन है, 11 का अलॉटमेंट है, सॉरी चिल्बाड़े, ठीक है, 10 का एप्लीकेशन है, देखा क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन पहले आना क्लियर जरूरी है, 10 का एप्लीकेशन, 4 का अलॉटमेंट, 11 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हमने ब्रीफ में क्वेश्चन लिख लिया। और दूसरी छोटी सी, चलिए अब समझिएगा आप, आपको बच्चों अब हम इसमें कराते हैं कि आपको जनरेंटी में कैसे डालना है। अब तो आसान है, एंट्रीज के अंदर अमाउंट डालना है, तो पहली एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बराबर है। तो मैं क्या बता था आपको, जो एप्लीकेशन की एंट्री है मैंने अभी बताया आपको, किससे करेंगे हम, जितने के लिए एप्लीकेशन आई है 60 से,
है ना, बाकी जो एंट्री है वो अलॉटेड से करते हैं इशू से, क्योंकि एप्लीकेशन तो 60 पे ही आया ना बच्चों, तो 60 से करना, कंफ्यूज नहीं होना, एप्लीकेशन वारंटी 60 से, बाकी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सब किससे होगा, इशू वाले से होगा, ध्यान रखना 60 × क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए 10, कितना हो गया 6 लाख, पहले तो आ गए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 6 लाख, आई होप समझ में आ गया आपको, इजी था। नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख है, अब बैंक में कौन सा अमाउंट आएगा, शेयर कैपिटल में कौन सा आएगा, जो बैंक में वो आएगा जिन एप्लीकेंट्स को कंपनी ने कोई शेयर अलॉट नहीं किया, तो इनका पैसा कंपनी को रिटर्न करना ही करना है, तो आप इसको रिफंड कर देंगे, यानी कि उल्टी एंट्री होगी ना, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन रिवर्स हो गई, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, ये बेसिकली दो एंट्रियों क्लब कर दिया गया हमने, ठीक है ना, दो एंट्रियों को क्लब कर दिया है, तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, बैंक में कितना आएगा 20 × 10, उन्होंने इतना एप्लीकेशन दिया था 2 लाख रुपीज, और बाकी जो बच गया 4 लाख शेयर कैपिटल आ गया, अब ये चेक करना हो ठीक है गलत है, वो बड़ा आसान है, जितने इशू किए हैं 40 × 10 से मल्टीप्लाई कर दो 4 लाख रुपीज, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल इशू ही आएगा, ये हो गया बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री मैंने क्या बताया था, आगे एंट्री सारी अलॉटेड शेयर से करेंगे, कितने अलॉटेड है 40,000, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट कितने की बच्चों, क्वेश्चन में आपके पास पता होना चाहिए 4 की अलॉटमेंट है, 11 की फर्स्ट कॉल, ठीक, तो शेयर हमारे पास 40 × 4 कितना आ गया 1,60,000, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सेम अमाउंट आएगा, ना तो कोई कॉल्स इन एरर है बच्चों, ना ही कोई एडजस्टमेंट है, फिर शेयर फर्स्ट कॉल 11 रुपीज की है ना, 4,40,000, 4,40,000 हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 11, 40,000 × 11, अब इसमें कॉल्स इन एरर है ना, ऊपर देखिए मैंने निकाला था कॉल्स इन एरर विद फर्स्ट कॉल 22,000, कैसे था 2000 शेयर ने पे नहीं किया था बच्चों, तो बड़ा आसान है अब, तो शेयर फर्स्ट कॉल कितने की है 4,40,000, ठीक है बच्चों, कॉल सीनियर कितना हो गया 22,000 हो गया, अब बैंक में इसमें से माइनस कर दीजिए, बैलेंसिंग फिगर अपने आप हो गया 4,18,000, माइनस कर दिया खत्म कहानी, तो ये था हमारे पास पहला रास्ता जिसका सॉल्यूशन, क्यों क्या हुआ इसमें कुछ भी नहीं था खास, जितने एक्सेस एप्लीकेंट थे उनका पैसा हमने वापस कर दिया, और बाकी देखो क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये दिस इज द फुल सॉल्यूशन आपके सामने है विद वर्किंग नोट, आगे बच्चों तो नॉर्मल फर्स्ट कॉल नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल था ना, सिर्फ पहली एंटी दो एंटी में इफेक्ट पड़ा है, और उसमें भी जो एक्सेस था वापस हो गया, कुछ भी इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल पहला रास्ता, आगे ना, अब इस पर बेस दो क्वेश्चन करो, और मैं आपको दूसरा रास्ता भी समझाता हूं, पॉज करके आप पहले दो क्वेश्चन करना, हाँ मैं आपको दूसरा रास्ता समझाता हूं, सेकंड वे, चलिए बच्चों सेकंड वे पे आते हैं हम आपके साथ, दिस इज द सेकंड वे, अब दूसरे रास्ते के सॉल्यूशन में हमारे स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 65 है आपके साथ, क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सबसे पहले एसएम लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल है ये 50,000, हम क्वेश्चन ऑथराइज को लेकर कभी नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है, ऑथराइज मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर है जो कंपनी अपनी थ्रू ऑफ लाइफ में इशू करती है, इन्वाइटेड 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, कितने इशू हो गए 10,000 शेयर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल आपने देख लिया, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, वो तो ठीक है, अब बड़े ध्यान से एक लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ो, एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, प्रोरेटा अलॉटमेंट मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, सेकंड वे हो गया ना, कोई रिजेक्ट नहीं है ना, सबको शेयर दिए, याद है ना सेकंड वे में दिस था प्रोरेटा, सबको शेयर देते हैं, कोई रिजेक्ट नहीं होता, फर्स्ट में जो एक्सेस है वापस कर दिया, सेकंड वे में सबको शेयर मिलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रोरेटा अलॉटमेंट, तो पहले बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं जैसे हमेशा से बोलते हैं, तो उसके बाद हम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, राइट बच्चों, अब इस क्वेश्चन में एक और चीज भी हमने बनाई है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी, बिल्कुल सिखाएंगे वन बाय वन करके, चलिए अप्लाइड कितना है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए पहले बच्चों, अप्लाइड आना जरूरी है, अप्लाइड और अलॉटेड यानी कि इशू, बड़े आराम से समझ आएगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, कितना अप्लाइड है बच्चों, हाँ कितना है 15,000, ये देखिए ना ये रहा अप्लाइड, ठीक है, अलॉटेड कितने सबको प्रोरेटा, यानी कि 15 वालों को 10, 15 वाले को 10, कोई रिजेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सबको शेयर मिले, सब खुश, ठीक है ना, और आगे क्वेश्चन बताइए आपको एप्लीकेशन कितने की है बच्चों, एप्लीकेशन यस 5 रुपीज की, सॉरी 30 रुपीज की एप्लीकेशन, शेयर 30 का, एप्लीकेशन कितने की बच्चों 30, राइट, अलॉटमेंट 10,
कितना बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल कितना बचा, शेयर कितने का है 100, 100 में से कितना चला गया 40, तो फर्स्ट कॉल कितने की होगी बच्चों, समझ गया आप, 60। ये क्वेश्चन इतना समझ आ गया। अब इसमें जो नई चीज है बच्चों, जो पहले की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें वापस हो गया, कंपनी ने अप्लाई किया मतलब कितने इशू किए 10, अप्लाई एप्लीकेशन 15, सब कुछ कर दिया ना, तो जो 5000 वाले एप्लीकेंट्स हैं इनकी एक्सेस मनी कंपनी के पास पड़ी हुई है, या तो कंपनी ने 5000 वाले शेयर का पैसा वापस कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले की तरह क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर कंपनी का ऑप्शन होता है कि इन 5000 वाले एप्लीकेंट्स का मनी को आगे सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट पे कॉल पे एडजस्ट कर सकती है। ठीक, तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको देखना है ना, तो क्या कहा इसमें एक्सेस मनी के बारे में, देखिए ध्यान से पढ़िए, मनी एक्सेस दैट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट इज टू बी रिफंडेड, मतलब जो एक्सेस मनी आएगी वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करनी है पहली बात, और जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी बच जाएगी वो वापस करनी है। ध्यान से पढ़ो, मनी एक्सेस दैट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट इज टू बी रिफंडेड, है ना, वो पैसा एक्सेस अलॉटमेंट के बाद जो बचेगा वो आपने वापस करना है, यानी कि अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। ठीक है बच्चों, समझ गया ना किसकी बात कर रहा हूं मैं, कौन सी एक्सेस मनी जो हमें इन एप्लीकेंट्स ने दी, कौन से एप्लीकेंट्स ने, 15 वालों को 10 मिले, 5000 एक्सेस एप्लीकेंट्स हो गए, इनका जो पैसा बचा हुआ है उसकी एडजस्टमेंट की बात हो रही है, जो इनका एक्सेस मनी बचा हुआ है 5000 वालों का। ठीक है, 5000 एप्लीकेंट्स का जो एक्सेस मनी है, तो कैसे करेंगे हम, ये हमने टेबल बनाई है एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन, पहले देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव पहला कॉलम, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बच्चों कितनी आई एप्लीकेशन मनी, कितने के अप्लाई 15000, 15 × 30 बच्चों हो गया 4,50,000, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल जो अलॉटेड इशू हैं 10,000, मैंने बताया ना ओरिजिनल शेयर कितने जितने इशू हैं 10 × 30 3,00,000, शेयर कैपिटल में आता है जितने ओरिजिनल इशू हैं, इतना समझ आ गया, ये शेयर कैपिटल ट्रांसफर हो गया, इतना एप्लीकेशन मनी आया, इतना शेयर कैपिटल में चला गया, तो बाकी क्या बच गया, देखिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी मेरे पास 1,50,000, कैसे बच्चों 450 − 3,50,000, अब हमें देखना है एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट हो सकता है, पहले कितना हो सकता है, अब बच्चे सोच रहे हैं कि हो सकते हैं क्या मतलब है, बड़ा आसान सी बात है ना, वो भी समझाते हैं आपको, पहले देखें कैन बी फिर आपको डिटेल में समझाएंगे कितना हो सकता है। देखिए ये पैसा कौन से किनका है, शेयर होल्डर का, इन वालों का पैसा 10,000 का, इनसे अलॉटमेंट कितनी लेनी है 10 × 10, मतलब कैन बी देखना बहुत जरूरी है, कैन बी मतलब कितना एडजस्ट हो सकता है, यू शुड नो दैट बेटर, यू इसको बोलते हैं कैन बी कितना एडजस्ट हो सकता है, 10,000 × 10 कितना हो सकता है बच्चों 1,00,000 ही हो सकता है, ये तो हो सकता है। ठीक है बच्चों, कितना हो सकता है 1,00,000, अब जबकि मेरे पास एक्सेस करने के लिए पैसा एडजस्ट करने के लिए है कितना 150, कितना हो सकता है 1,00,000, अब इसको देसी भाषा में समझाते हैं, मान लो कोई बच्चा मेरे से पढ़ता है, मुझे फीस देता है 10,000 rupees, ठीक है ना, एक मंथ में फीस उसकी आ जाती है मेरे पास एक्सेस 15,000 आ गई, अब 5,000 उसका मेरे पास एक्सेस मनी है, ठीक है कितना आ गया 5,000 एक्सेस, अब नेक्स्ट मंथ में मैं उस 5,000 को एडजस्ट कर सकता हूं कि नहीं, डिपेंड करता है नेक्स्ट मंथ में मैंने उससे कितने पैसे लेने हैं, अगर नेक्स्ट मंथ में मैंने उससे 6 लेने हैं तो मेरा 5 पूरा एडजस्ट हो जाएगा एक्सेस, तो मैं 1,000 से ले लूंगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ में मैंने उससे सिर्फ 3,000 ही बैलेंस लेने हैं, कितने बच गए 2,000 बच गए ना अभी भी, या तो वो 2,000 नेक्स्ट मंथ में जाएंगे उससे नेक्स्ट में, या फिर 2,000 रिफंड हो जाएंगे, सेम केस यहां पर है, एक्सेस मेरे पास है 150, कितना है बच्चों 150 एक्सेस, और जबकि मैंने लेना कितना उनसे अलॉटमेंट के साथ, सिर्फ कंपनी कितना लेना है, मैंने मतलब कंपनी कितना लेना है 1,00,000, तो 1,00,000 ही एडजस्ट हो सकता है ना, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था, जो अलॉटमेंट से ज्यादा होगा वो रिफंड, फर्स्ट कॉल भी नहीं बोला, तो 150 − 1,50,000 रिफंड, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बैंक में चला जाएगा, होप समझ आ गया, तो इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है, हर क्वेश्चन में छोटी सी ये टेबल है लेकिन आपकी बहुत काम आएगी और बहुत फंडा आपको बच्चा क्लियर करेगी। ठीक, चले आगे, चलिए ये टेबल समझ आ गई, तो आपने समझो बहुत बड़ा काम कर लिया है, उसके बाद तो क्या करना है, जर्नल एंट्री है, क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं, ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 300 शेयर, तो जैसे मैंने पहले बताया था, हम पहले हमारा काम है कि वर्किंग नोट बना लें, तो वर्किंग नोट बनाने से क्या होता है, मतलब बहुत बड़ा हमारा काम निपट जाता है बच्चों,
ये बना लिया। तो कॉल्स इन एरियर दूसरा वर्किंग नोट, ये पहला वर्किंग नोट था, दूसरा कॉल्स इन एरियर विद फर्स्ट कॉल, ये हमारे समझने के लिए है। ठीक है, 300 शेयर्स है बच्चों और फर्स्ट कॉल कितने की है हमारे पास, हमने लिखी थी पर 60 की, 18,000 ये लिख दिया कॉल्स। अब क्या करना है, अब सिर्फ जनरल एंट्री में आपको डालना है और बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चे बेटी, लेट्स स्टार्ट जर्नल एंट्री, और इस टेबल से आपकी एंट्री करना और आसान हो गई है। बड़े ध्यान से आराम से प्यार से अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, डाल देना, देखो इसमें सीधा यही अमाउंट आ जाएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब इस टेबल का ये फ़ायदा भी होगा आपको, मतलब आपने दो एंट्री का अमाउंट तो यहीं पे कर लिया बच्चों, हो गया। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 450, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 450 यहाँ से आया। शेयर कैपिटल में कितना है, जो जो यहाँ लिखा है शेयर कैपिटल में, अलॉटमेंट में, बैंक में, वो नीचे हमने लिखा, देखो टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, मतलब अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया बच्चों मैंने, शेयर कैपिटल में कितना किया 3 लाख, शेयर कैपिटल में 3 लाख, अलॉटमेंट में 1 लाख, ठीक है बच्चों, और बैंक में 50,000 हो गया इसे, है ना। 450 एप्लीकेशन मनी आई थी, 3 लाख ट्रांसफर शेयर कैपिटल में, 150 एक्सेस हो गया, उसमें से 1 लाख अलॉटमेंट पे गया और 50,000 रिफंड यानी कि वापस हो गया, हो गया इसी। ये था दूसरा वे, अगर ये समझ में आ गया ना तो आगे बाकी बड़े आराम से समझ में आएंगे। तो इस पर 2-3 क्वेश्चन जरूर आपने प्रैक्टिस करने हैं। अब इसका जर्नल में आगे कंटिन्यू करते हैं, अब कुछ नहीं रह गया, अब बाकी क्वेश्चन किससे करेंगे, कौन से शेयर को लेके करेंगे बताओ आप, कौन से को लेके करेंगे, यस यहाँ पे देखिए, इसको या इसको, 15 को या 10 को, यस अलॉटेड से, इशू से, जितने ओरिजिनल इशू के 10। अब पूरा क्वेश्चन अलॉटमेंट, फर्स्ट को, जो भी क्वेश्चन होगा सब 10,000 को लेकर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब अलॉटमेंट आपको पता नहीं कितने की है बच्चा बाटी, 10 रुपीज़ का अलॉटमेंट है, तो चलिए ठीक है, तो इशू की हमने वो भी 10,000 है, वाओ 10,000 इंटू 10 कितने हो गई, 1 लाख रुपीज़। क्वेश्चन अपने सामने रखो, ठीक है ना, तो ध्यान रहेगा आपको, ठीक है 1 लाख रुपीज़ की अलॉटमेंट बेटा। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कोई कॉल्स इन एरर नहीं है, बट एक चीज देखो आप ध्यान से, जो 1 लाख की अलॉटमेंट है, कितना पैसा आप एडजस्ट कर चुके हो अलॉटमेंट पे ऑलरेडी, वाओ 1 लाख ही कर चुके हो, ये हमें दोनों का डिफरेंस लेना होता है भाई, 1 लाख की अलॉटमेंट बनती है कितना एडजस्ट हो गया, ऑलरेडी एक्सेस कितना दे चुके हो 1 लाख, तो कंपनी को कुछ भी नहीं मिलेगा इस एंट्री में, ठीक है बच्चों, कितना मिलेगा, कॉल सिनेरियो तो नहीं है बट कुछ भी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सारा पैसा एडवांस जा चुका है अलॉटमेंट के साथ, नील कोई अलॉटमेंट नहीं आना। नेक्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है बच्चों, फर्स्ट कॉल कितने की थी याद करो, 60 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, तो कितना हो गया 6 लाख रुपीज, 10,000 है ना इंटू 6 लाख। अब इसमें से क्या था, कॉल सीनियर, कितना कॉल सीनियर था याद करो, दिखाता हूं पर आपको, 18,000 इज अ कॉल सीनियर, ठीक है बच्चों, तो 6 लाख की फर्स्ट कॉल है, 18,000 इज अ कॉल सीनियर, ठीक है बैंक में आ जाएगा 5,82,000, अरे कितना गया 5,82,000, तो ध्यान से देखा 6 लाख माइनस 18,000 5,82,000 बैंक में, सिंपल कॉल सीनियर था, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा कॉल सीनियर भी याद रहे आपको, भूलना जाए इसको, बट इसमें कोई फोरफीचर नहीं है। ये सेकंड वे और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं विद क्वेश्चन, चले चलिए बच्चा आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वे, तीसरा रास्ता, तीसरा रास्ता क्या था, दोनों का कंबाइन, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा तीसरा रास्ता, ठीक है। अशोक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर 10 ईच पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2 फर्स्ट कॉल वगैरह, एंड एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हो रही है, 30,000 के लिए, कितने के लिए आ रही है 30,000 के लिए, इशू कितने थे 20। अब शेयर्स कैसे अलॉट किए, 8 वालों को फुल मतलब 8,000, एक काम इन्होंने हमारा कर दिया, 16,000 वालों को 12,000, दिस इज कॉल प्रो रेटा, 16 वालों को 12, 6,000 वाले रिजेक्ट, अफसोस के साथ उनको रिजेक्ट लेटर दे दिया, बड़े दुख के साथ सोची गया था कि आपको कोई शेयर नहीं मिला, सॉरी टू रिग्रेट। तो कैसे करेंगे इसमें हम, तो पहले क्वेश्चन तो आपके सामने है, ईजी है वैसे तो, ये 8,000 वाले को फिर से लिख लेते हैं, 8,000 वाले को 8,000, क्वेश्चन समझाना जरूरी है,
16,000 वालों को 12, दिस इज प्रोरेटा, एंड 6,000 वालों को निल. एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 5. ये तो क्वेश्चन हो गया. अच्छा, इसमें कोई कॉल थी भी नहीं है तो और इजी हो गया. तो इसमें भी मतलब मेन चीज जो आपको आनी चाहिए ना बच्चों, हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी. तो यही हम समझाएं, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी रिसीव विद द एप्लीकेशन. तो बड़े ध्यान से इस टेबल को बनाते हैं. सबसे पहले ये तीन कॉलम आपके सामने हैं, तीन चार कॉलम, ठीक है. कितने हैं पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव, इसके हिसाब से चलेंगे जो ये आया है 8,000, 16,000, इसी ग्रुप के हिसाब से चलना है. ये अप्लाइड के लिए है बच्चों, ये अलॉटेड के लिए है. मैं लिखता हूं हमेशा ये अप्लाइड और ये अलॉटेड, मतलब ये एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये ट्रांसफर टू शेकअप, इस हिसाब से क्वेश्चन करना. तो लिख लीजिए आप, कोई बात नहीं. 8,000 के लिए पहला 8,000 इंटू 3 एप्लीकेशन मनी, ठीक है. कितना हो गया 24,000, ये हो गया पहले वाला. दूसरा कितना है ग्रुप, दो ग्रुप कैटेगरी है, कैटेगरी अलग है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, तीन कैटेगरी है. सेकंड कैटेगरी में 16,000 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों 48,000, ठीक है. कितना हो गया 48,000. और थर्ड कैटेगरी में तीनों कैटेगरी, ये फर्स्ट कैटेगरी थी, ये सेकंड कैटेगरी थी बच्चों, थर्ड कैटेगरी 6,000 इंटू 3 कितना हो गया 18,000. हो गई तीन कैटेगरी, ये वैसा आया. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको लिखना कंपलसरी नहीं है. आप तो डायरेक्ट लिख सकते 24,000, 48,000, 18,000. ये आपको अंडरस्टैंड कर लेगी अमाउंट कहां से आया. अब ये पहला कॉलम इससे भरा, अब और दूसरा कॉलम इससे आएगा बच्चों. ट्रांसफर डिशे कैप्ट लगे 18,000 इंटू 3, अमाउंट एप्लीकेशन वाले रहेगा 24. अगले में कितना है 12,000, 12,000 इंटू कितना है 3, दैट इज 36,000, ठीक है बच्चों. एंड नेक्स्ट 6,000 इसमें तो नील है, नील इंटू 3 कितना होगा, दिस इज नील, कुछ नहीं है, मतलब यहां भी नील, कोई अलॉटेड नहीं है, तो नील नील रहेगा. ये हो गया बच्चों, समझ में आ गया आपको या नहीं. चलिए, होप फॉर द बेस्ट, आपको समझ में आ गया होगा, आना भी चाहिए. इतना समझ में आ गया ये अमाउंट. अब उसके बाद तो आसान काम रह गया, देखो क्या रह गया, कुछ भी नहीं है. तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ 24, शेक एप्लीकेशन में कितना गया 24, तो एक्सेस कितना हुआ इसका निल. और जिसका एक्सेस ही निल है तो उसका एडजस्टमेंट भी निल है, उसका रिफंड भी निल है, इसका तो कुछ है ही नहीं, काम खत्म, ईजी. चलिए पहला काम हो गया. दूसरे पे आइए, अप्लाई एप्लीकेशन मनी कितनी है बेटो 48,000, ट्रांसफर डिशे कैप कितना है 36, एक्सेस कितना हो गया 48 माइनस 36 12,000 इज द एक्सेस मनी, 12,000 एक्सेस मनी आ जाती है, ठीक है. नेक्स्ट, उसके बाद अगले में क्या है 18,000 एप्लीकेशन मनी आई, शेयर अलॉटेड कितने हैं निल, तो इसका एक्सेस कितना हो गया बच्चों 18,000 इज द निल. ये देखिए आ गया आप क्वेश्चन में, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना. तो इस सेंस ही हमारी एक्सेस अप्लीक, अब क्या करना है एडजस्ट करना है. चलिए पहले इस पे आते हैं, सेकंड पहले कैटेगरी खत्म हो गई, सेकंड वाले पे आते हैं. पहले क्या देखना है, कैन बी कितना एडजस्ट हो सकता है, मतलब ये हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, है ना, बट अगर हर एक में करेंगे तो आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी. किसी में देखो किसी में नहीं देखो बड़ी कंफ्यूजन से क्रिएट होती है, तो आप हर क्वेश्चन में देखेंगे तो आपकी हैबिट डेवलप होगी और आपके लिए ईजी रहेगा. कैन बी कितना होता है, किस ग्रुप का पैसा है, इस वाले ग्रुप का, इस वाले ग्रुप का पैसा है 12,000 का. तो एक्सेस में लेने के बिना कैन बी कितना हो सकता है 12, जितना अलॉटेड है इसको और जितने की अलॉटमेंट है 12 इंटू 2 24,000 कैन बी 24,000. कैसे आया 12 इंटू 2 24,000 कैन बी हो सकता है, बट हाँ करना कितना है, एक्सेस कितना है बच्चों, सिर्फ 12,000. बड़े आराम से पूरा है 12,000 एडजस्ट हो जाएगा. अब इसका कोई काम नहीं, काट कर दो कहीं आप बाद में कंफ्यूजन है, ये सिर्फ कैन बी देखने लेगा. नमस्ते. तो 12,000 हमारा हो गया. अब कितना बच गया, कुछ नहीं बचा, तो आगे नील हो गया. अब आते हैं इस वाले पे, इस बेचारे को तो कोई शेयर ही नहीं मिला इनका पैसा तो सारा एक्सेस अलॉटमेंट पे नील एडजस्ट और सारा बैंक में जाएगा 18,000. कैसा रहा बच्चों, आराम समझ में आ गया पक्का या दोबारा समझाना है, आ गया ना. तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखो, नहीं समझाया आराम से देखो ध्यान से देखो. तो इस तरह से हम एक्सेस मनी को एडजस्ट करेंगे. बस प्रोराटा में सबसे पहले एक्सेस मनी एडजस्ट करने ढंग से आनी चाहिए, बाकी आपका बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाता है. चलिए बच्चों अब इसका एंड टोटल कर दीजिए, टोटल करते हैं. सबसे पहले कितना एप्लीकेशन मनी मेरे पास आया, ठीक है ना, कितना आया, इन सबको प्लस कर दिए 24 प्लस 48 प्लस 18. अगर ऐसे नहीं करना चाहते ना, शॉर्टकट भी है. कैसे भाई, कितने की एप्लीकेशन आई थी टोटल 30 30 इंटू 3 90 आ गया ना.
शेयर कैपिटल में जितना ओरिजिनल इशू है, अर्जेंट कितना है आपके पास, वो भी कर सकते 20 into 2, या फिर इनका टोटल कर दीजिए आप, ठीक है, या फिर क्या कर दीजिए इनका टोटल कर दीजिए, 20 into 3 कितना हो गया 60, वैसे भी देख लीजिए आप 24,000, 36,000, 60, एक्सेस कितना हो गया 30, क्रॉस चेक करते रहेंगे 90 - 60, 30, इधर से देखिए 12 और 18, 30, है ना, एक्सेस होनी है 30, नील, उसके बाद सॉरी अलॉटमेंट कितना है 12 और रिफंड कितना है 18,000, इसमें से एक्सेस मनी एडजस्ट हो जाती है। हम इसको बिना टेबल के और भी मेथड से कर सकते हैं, बट ये आपके लिए थोड़ा सफिस्टिकेटेड अच्छा आता है, इसमें गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। तो टोटल एप्लीकेशन मनी आई 90, शेयर कैपिटल में गया 60, एक्सेस हो गया 30 और अलॉटमेंट पे कितना गया 12 और 30 में से 12 अलॉटमेंट में, बाकी 18 रिफंड। अब एंट्रीज करते हैं और अमाउंट को भरते हैं, बहुत ही आसान हो गया। इसको बनाने के बाद कच्चू नहीं है क्वेश्चन में, है ना, बहुत ईजी। तो पहले एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अब मैंने कहा ना टेबल का जो एंट्री इससे हो जाएगा 90, पहले भी यही किया था हमने, 90,000 आ जाएगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000, शेयर कैपिटल में बच्चों ऊपर देखिए टेबल में 60 शेयर कैपिटल का टेबल है ना, अलॉटमेंट कितना डाला था याद करो 12, हाँ, और बैंक में कितना गया है 18, ये देखिए ये 12 अलॉटमेंट में और 18 बैंक के अंदर डाल दिया मैंने रिफंड, है ना, तो रिफंड वो बैंक में जाते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन किससे करेंगे हम, अलॉटेड से करेंगे, कितने अलॉटेड हैं, कितने आदमी थे, आदमी नहीं देखने हमने, कितने अलॉटेड शेयर होल्डर्स हैं, कितने दिए थे इसमें अलॉटेड याद करो, यस 20,000 शेयर अलॉटेड हैं, है ना, इशू या अलॉटेड 20, तो 20 से पूरा क्वेश्चन करेंगे। अलॉटमेंट कितने की है बच्चा पार्टी, कितने की अलॉटमेंट है आपको यार कहता हूं, क्वेश्चन बार बार याद रखा करो, देखिए अपने पास क्वेश्चन को 2 रुपीज की अलॉटमेंट है, ठीक है, तो 20 into 2 कितना हो गया 40,000, ठीक है 20 into 2 कितना हो गया 40,000 शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। नाउ बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में क्या करेंगे, ध्यान से देखो 40 था, कितना एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे 12, मतलब 12 एडवांस मिल चुका है, तो 12 माइनस करके बाकी अमाउंट हमारे को मिलेगा कितना हो गया 28,000, कैसे आया 28, 40 - 12, 28,000, फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट कॉल जो है 5 रुपए की हमारे पास है, 20 into 5, 1 lakh, ठीक, तो इसमें कोई कॉल्स इन एरर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल ना एडजस्टमेंट है, तो बच्चों इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग इज डन, इजी था ना, तो ये हमारे पास है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया, ये तो तीनों वे थे जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को, ये जो तीन वे हो गए, इसमें तो मैंने बताया कि एक्सेस मनी का ट्रीटमेंट, कि आपने एक्सेस मनी जो आई है ना पहले वे में तो कोई टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सेकंड थर्ड में एक्सेस मनी आई, हमने उसको कैसे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट या सब्सिक्वेंट कॉल पे, या कैसे रिफंड करना है, ये आप सीख लिया, इसमें कोई फोरफीचर नहीं था। तो बच्चों आप इस पर बेस्ड थोड़े से पहले क्वेश्चन कहीं बुक से करो, हमारे स्टडी मटेरियल से करो, आप पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर इसके जस्ट बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूं, वो आपने बड़े ध्यान से देखना है, क्या प्रोरेटा एंड फोरफीचर, तो अब इसका पार्ट टू जो देखेगा ओवर सब्सक्रिप्शन का नेक्स्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तो क्या देखेंगे प्रोरेटा एंड फोरफीचर, इसके 2-3 दिन बाद ही हमारा ये वीडियो अपलोड होगा, तो पहले आप इस पर क्वेश्चन कीजिए, तो उसके नेक्स्ट बाद तुरंत बाद अब दूसरे वीडियो को देखिए और प्रोरेटा के ऊपर क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कीजिए, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।